हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर 7 विच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो ये जब चैप्टर मैंने शुरू किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में बताया था और रिजिड बॉडी की डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन क्या क्या हो सकती हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, रोटेटरी मोशन हो सकती है, रोलिंग मोशन हो सकती है। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, दैट वॉज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, और उसका जो डेरिवेशन किया था हमने टू पार्टिकल सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर सॉल्व किए थे। अब ये चैप्टर बेसिकली रोटेशनल मोशन का है, और आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आप वेक्टर कहां से लेके आ गए। तो ये जो वेक्टर है, ये थ्रू आउट द फिजिक्स हमारा यूज होता रहेगा। यहां पर हम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, और आपको ध्यान होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, जब हम वर्क एनर्जी पावर डिस्कस कर रहे थे तो हमने डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया था, और जो थर्ड चैप्टर था हमारा मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन, उसमें हमने वेक्टर को स्टार्ट ही किया था और एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि इफ यू वांट टू स्टडी फिजिक्स तो आपको वेक्टर तो पढ़ना ही होगा, और बिना वेक्टर के फिजिक्स को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए आप वेक्टर पर एक अच्छा कमांड, एक अच्छा कंट्रोल, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी वेक्टर की होनी चाहिए, बिना वेक्टर को फिजिक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब मैं जब रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये चैप्टर है ना हमारा रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दोज आर रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन, उनको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पढ़ना होगा। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हमने पिछली चैप्टर में भी स्टडी किया था और इसमें भी करेंगे, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। जो पहला था दैट वॉज डॉट प्रोडक्ट, इन लास्ट क्लास मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का पिछले चैप्टर में एप्लीकेशन था, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो दो वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये मैंने डिफाइन किया था कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, बताओ किया था कि नहीं। तो दो तरह का डॉट प्रोडक्ट होता है, पहला होता है दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब जो वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है, जो वेक्टर का ऑपरेशन है, जो एलजेब्रा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एलजेब्रा। जैसे वेक्टर का एडिशन डिफरेंट तरह से होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन डिफरेंट तरह से होता है, ऐसे ही वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी डिफरेंट तरह से होता है। सो दो तरह का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हमें स्टडी करना है। पिछले चैप्टर में हमें जरूरत थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, जो फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स है, और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स भी बोलते हैं, और इसको हम डिटेल में पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और ये होता है a dot b is equal to a b cos theta। So students, in this chapter we are going to start the second kind of vector multiplication, that is vector multiplication or cross product of two vectors। क्योंकि इस चैप्टर में जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये पता होना चाहिए कि भी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मैनर में कैसे होता है। तो अब यहां पर आप इसको समझे, बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई दो वेक्टर को क्रॉस फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विदाउट एन एरो, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, और ए एक ही बात है, मतलब इफ एन अल्फाबेट इज रिटन विदाउट एन एरो एंड इट इज ए वेक्टर, देन इट इज मैग्नीट्यूड। सिंपली एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, ओके या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बी, मतलब ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ए क्रॉस बी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन नोटेशन। कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होता है ए बी साइन थीटा इंटू
एन कैप। अब देखो यहां पर क्या आया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड दिस एन कैप। व्हाट इज दिस एन कैप? दिस एन कैप इज नोन एज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर उसमें तो क्या था, ए बी कॉस थीटा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए बी साइन थीटा और साथ में ये एन कैप भी आएगा। ये एन कैप को हम बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स के यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर मैंने एन कैप को नॉर्मल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यूज किया है। इसका मतलब यह हो गया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ आएगा वो एक वेक्टर होगा। मतलब जैसे पिछले वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहां पर जो ये मैंने एन कैप लिया है ये इस बात का प्रूफ है कि अगर मैं दो वैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इफ टू वैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन क्रॉस मैनर, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दो वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको समझ में आ गया, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास हैं, इफ वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई देम इन ए वेक्टर मैनर, क्रॉस प्रोडक्ट मैनर, देन दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने काफी सारे इस चैप्टर में आने वाले ही हैं, जब हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे ना इसके बाद, तो काफी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। मैं अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखो, जैसे मान लो मेरा ये कोई ए वेक्टर है और ये किसी गिवन डायरेक्शन में बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये मैंने यहां पर आपको डेफिनेशन बता दिया। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि ये मान, ये एक नया वेक्टर आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा। मान लो ये हो गया सी वेक्टर। इस सी वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू सी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो बाहर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड। सो वेदर इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, दैट इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड एंड कर्ल देम फ्रॉम ए टू बी। जैसे मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ कर्ल करूंगा, थंब इज आउटवर्ड, तो ये हो गया ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड परपेंडिकुलर। और अगर मान लो बी क्रॉस ए निकालना होता, बी क्रॉस ए निकालना होता, तो वो क्या आ जाता? बी ए साइन, अच्छा ए और बी के बीच में एंगल है थीटा, सो बी और ए के बीच में कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? बी ए साइन 360 माइनस थीटा, सो ये आ गया माइनस बी ए साइन थीटा।
तो मतलब ये देखो, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए माइनस, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब अगर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है बट क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। मतलब ए क्रॉस बी वैक्टर जो निकल के वैक्टर आएगा वो बी क्रॉस ए के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब जब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालें हम, मान लो तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले मैं बी क्रॉस सी कैलकुलेट करता हूं फिर उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, या ए क्रॉस बी निकाल के मैं उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो इक्वल नहीं आने वाले। थर्ड प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। देखो कैसे होता है, मान लो कोई वेक्टर ए है उसका उसी के साथ मैं निकालता हूँ, तो ए इंटू साइन जीरो डिग्री, मतलब कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, कोई वेक्टर खुद के साथ जीरो एंगल बनाता है, तो ये हमारा जीरो आ जाएगा। इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, और k क्रॉस k इज इक्वल टू जीरो। यू नो यू रिमेंबर वॉट आर दिस आई जे के, दिस आई जे केस आर यूनिट वैक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सेस। अब देखो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी इफ दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के। देखो I क्रॉस I जीरो, J क्रॉस J जीरो, K क्रॉस K। इफ आई आस्क व्हाट इज I क्रॉस J, देखो I क्रॉस J, इफ आई अप्लाई माई ए बी साइन थीटा एन कैप, सो I क्रॉस I क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मतलब A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन एंगल और एन कैप। सो I क्रॉस J, I का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ I J K आर वन, आई जे के आर यूनिट वैक्टर, सो आई जे के आर यूनिट वैक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन इंटू साइन। आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, आई इज अलोंग एक्स एक्सेस, जे इज अलोंग वाई एक्सेस, तो आई जे के तो परपेंडिकुलर होते ना, तो आई जे के परपेंडिकुलर होते तो साइन 90। अब आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वैक्टर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सेस होती है, जेड एक्सेस, तो ये आ जाएगा हमारा के कैप। सो इस तरह से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जे, और साइक्लिक ऑर्डर में अगर करेंगे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और उसके बाद के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, जैसे मैं आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर देता हूँ, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, J क्रॉस I माइनस के। मतलब इफ ऑर्डर इज रिवर्स, जैसे A क्रॉस B है तो A क्रॉस B अगर कुछ वेक्टर है तो B क्रॉस है उसका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ऑर्डर ऑर्डर इज रिवर्स्ड, इफ ऑर्डर इन ए क्रॉस प्रोडक्ट इज रिवर्स देन इट बिकम्स ए नेगेटिव वेक्टर, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन उसकी हो जाती है। ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर सवाल आता है, सपोज मेरे को दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, जैसे A वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k। हमसे कहा फाइंड ए क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है। वी आर गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी इन आई जे के एंड वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, ये एक दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उनके बीच में हम इनको लिखेंगे। पहले फर्स्ट रो में आई जे के ए क्रॉस बी इज, दिस इज रिटन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, फर्स्ट रो आई जे के। सेकेंड रो में जो ए के अंदर आई जे के का कोफिशियंट है, दिस इज 2, 3, -2। अब बी वेक्टर के अंदर आई जे के का कोफिशियंट 3, 2, -5। ये समझ में आ गया, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी लिखने के लिए मैंने फर्स्ट रो में आई जे के लिख लिया, कैप भी लगा सकते हो, आई जे के कैप। सेकेंड रो में
जो ए वेक्टर के अंदर आई जे के कोफिशियंट थे, सेकेंड रो में ए में आई जे के का कोफिशियंट क्या था, 2, 3 माइनस 2, 2, 3 माइनस 2। उसके बाद बी के अंदर आई जे के का कोफिशियंट 3, 2 माइनस 5। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ये इसमें तो आएगा आई का कोफिशियंट माइनस, फिर जे का कोफिशियंट प्लस, फिर के का कोफिशियंट। अब ये कैसे लिखा जाएगा, मतलब आई माइनस जे प्लस के, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर आई का कोफिशियंट माइनस प्लस के, आई का कोफिशियंट माइनस जे का प्लस के का। आई का कोफिशियंट लिखने के लिए क्या करेंगे, आई वाले कॉलम और आई वाली रो को हाइड करेंगे, तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम हाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 का 5 में और 2 का -2, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ध्यान ये रखना है, ऊपर से नीचे तो मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा, कितना हो गया -15, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये नेगेटिव में चलेगा। सो 3 × -5 -15 और 2 × -2 -4, लेकिन ये नेगेटिव में चलेगा तो -−+4। बस ये ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव और नीचे से ऊपर नेगेटिव। अब जे का कोफिशियंट देखना है, तो जे वाले कॉलम और जे वाली रो को हाइड करेंगे, सो 2 × -5 = 10, 2 × -5 - 10, ठीक है, 2 × -5 - 10 और 3 × -2 - −+6। ऐसे ही के वाला कॉलम और के वाली रो, सो 4 - 9, तो ये कितना आ जाएगा -11 i कैप, और -10 + 6 - 4 - −+4 j कैप, और -5। इस तरह से हमारा a क्रॉस b निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज डिफाइंड एंड इट्स प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इफ वैक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, राइट। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मैंने डिफाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तीनों काफ़ी काफ़ी काम आते हैं, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मेरे पास कोई दो वैक्टर ए और बी हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाई 2 adjacent sides ऑफ ए ट्रेंगल, तो क्या करो, इसका पैरलोग्राम कंप्लीट कर लो, और इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, ट्रेंगल का एरिया तो आपको मालूम ही है 1/2 base × height होता है, तो बेस तो ये हो गया OP, ओके, दिस OP लाइन, OP साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A, OQ इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B, द एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा, सो OP इंटू Q1, ये Q1 कितना हो गया, ये B है, ये थीटा, तो ये कितना हो गया B साइन थीटा, साइन थीटा अगर मैं राइट एंगल ट्रेंगल में लिखूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो मतलब क्या होता है, इफ टू साइड्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आई एम टेलिंग यू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर किसी वेक्टर की, किसी ट्रेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड का हाफ होगा, 1/2 a × b विल गिव द एरिया ऑफ द ट्रेंगल, ओके। इसके बाद अगर मान लो मेरे को इस पूरे पैरेलोग्राम का एरिया निकालना है, तो पैरेलोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेलोग्राम विल गिव इट्स एरिया। और अगर मान लो डायगनल्स दिए हुए हैं, इफ यू आर गिवन द डायगनल्स ऑफ ए पैरेलोग्राम, तो उस पैरेलोग्राम का एरिया डायगनल से भी निकल जाएगा, हम डायगनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे। सो दीज आर द 3 results which depict the ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, ओके। सो अब ये एक हमारी क्लास थी जिसमें हमने दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे और रोटेशन हमारा उसमें स्टार्ट हो जाएगा, ओके। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।